कविंद्र गुप्ता जी माफी मांग लीजिए, इसी में आपको बलाई है। हर जात बात बरादरी को पता चल चुका है कि ये बीजेपी सिर्फ तोड़ने की राजनीति करती है और तोड़ तोड़ कर ही सत्ता में आती है। अभी जो इसने गंदी हरकत की, हमारे युवा रायपुर के सदस्यों के साथ गंदी हरकत की, जो कुछ पत्रकार गए थे जो कह रहे थे मीडिया का वहाँ पे नेट नहीं आया, जो उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है हमारी सभा को, आज उनके मुंह पे एक तमाचा पड़ा है। उनको लगा था ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, आपस में लड़ेंगे, ये बाई बाई कटे नहीं होंगे। बीजेपी 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 बीजेपी, ये इनका गुस्सा है, मेरी बात सुनिए। और मैं आज उनको जलन इस बात की पता क्या होगी, कभी हम थे, हमने भी कटाक्ष किए उनके खिलाफ, लेकिन आज हम सब साथ हैं। उनको ये तकलीफ है, ये सब आज साथ क्यों है, हम लड़ेंगे भी मरेंगे भी, लेकिन जब अपनी बात आएगी, हक हकूक की बात आएगी, युवा रायपुर सभा आपको हमेशा अपने जो फायदे हैं वो छोड़कर एक मंच पर एक साथ दिखेगी और ऐसे लोगों को एक्सपोज करेगी जो पूरे डोगरों को तोड़ना चाहती है। मांगने यहाँ से कोई नहीं गया था, ना ही कविंदर गुप्ता जी के घर पे कोई गया था, हमने पूरा उसका पता लगाया है, किसके घर में गए वो आपको भी पता है, वो हमें भी पता है, और फोन किसने किया, कविंदर गुप्ता ने किया, उन्होंने बुलाया माफी मांगने के लिए, और वहाँ पे आप नहीं पहुँचे, 100 पत्रकार हैं वहाँ पे, वो नहीं पहुँचे, वहाँ पे सिर्फ एक पत्रकार जाता, अगर 100 पत्रकार जाते तो हो सकता अगर उसने माफी मांगी होती वो भी दिखता, वो भी एक्सपोज होता, लेकिन ये किसी ना किसी तरीके से युवा रायपुर सभा को तोड़ने की कोशिश थी, इसको खत्म करने की कोशिश थी, भाई भाइयों को आपस में लड़ाने की कोशिश थी, जो उन्होंने की, लेकिन वो फेल हो गए। आज का जन सैलाब, उनकी छाती पे शुरियां चल रही है, शुरियां। जिन लोगों ने रिजाइन किया था युवा राजपूत सभा से, सभी आएंगे, एक मंच पे आएंगे, लेकिन इस बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितने लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे युवा राजपूत सभा तो है, यहाँ पे ब्राह्मण सभा भी है, हर एक जात बिरादरी का बंदा, मुस्लिम लोगों ने कितना स्वागत किया, हर जात बिरादरी का बंदा हमारे साथ है, और हम सब डोगरा इस बार बीजेपी को एक्सपोज तो किया किया, अब उसको हम टोटल बायकॉट करेंगे, यही हमारा एक जमीर है, और हम यही चाहते हैं ईमान के साथ सभी लोगों से, आने वाले चुनाव में बीजेपी को बायकॉट करिए, और इस कविंदर गुप्ता को कहिए कि सबके सामने आके, एक मीडिया वाला लेके नहीं, सारे पत्रकारों को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, और यहाँ से युवा रायपुर सभा के साथ साथ पूरे डोगरा समाज से, पूरे जम्मू से माफ़ी मांगी जाए। देखिए, हिंदू मैं भी हूँ, सनातनी मैं भी हूँ, ये मुझे भी पता है, मेरे पीछे हैं ये भी सारे सनातनी हैं, ये इनको भी पता है, ये सिर्फ राजनीति करते हैं नमक छिड़कने की, आग लगाने की राजनीति करते हैं। जब तुझे पता है कि लोग पूरा जम्मू कविंदर गुप्ता पे गुस्सा है, तो वो उसको पता है कि इनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई है, ये आपस में कटाक्ष कर रहे हैं, वो तो हमारे भाइयों का प्यार है कि आज हम एक मंच पे हैं, लेकिन उसने फिर से कटाक्ष कर दिया, माफी फिर भी नहीं मांगी, फिर भी उसने खेद प्रकट किया, उसका खेद जो है ये हमारे सारे युवाओं के, सारे जम्मू के लोगों के दिल में पिंच कर गया। अगर वो माफी नहीं मांगेगा तो कविंदर गुप्ता मेरी बात सुनिए, जहाँ से आए थे वापिस आपको वहाँ जाना पड़ेगा, और बीजेपी को कहना चाहता हूँ इससे माफी मंगवाइए, आने वाले दिनों में ये पूरा समाज, डोगरा समाज, पूरा जम्मू आपको निस्तो नबूद कर देगा, क्योंकि ये बात हमारी आन बान और शान की है। ये आप कह रहे हो, देखिए मेरी बात सुनिए, कविंदर गुप्ता ने माफी मांगी, उन्होंने ये भी कहा होगा जो लोग कह रहे थे कि उसने माफी मांगी, बट मीडिया का कुछ बीच में एक, मतलब उस वक्त मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेट ऑफ कर दिया पीछे से, तो वो माफी नहीं चल पाया, देखिए, और वो चल गया जो वो चलाना चाहते थे, जो फूट डलवाने के लिए चलाना था, जो हमारे भाइयों को दिखाना था, वो सब कुछ उन्होंने दिखा दिया, लेकिन वो जो माफी मांगी वो नहीं दिखाई दी, तभी तो कहता हूँ उसका नेट ऑफ था, उसकी वीडियो नहीं बन पाई, अगर सारे पत्रकार जो आज यहाँ पे हैं वो गए होते तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होता उस दिन का ही, लेकिन फिर भी आज हम एक हैं, कविंदर गुप्ता जी से को तो माफी मांगनी ही पड़ेगी, जो मर्जी हो जाए, बचकर कहीं नहीं जाएगा कविंदर गुप्ता, ये मैं बता देना चाहता हूँ, और उसको ये भी कहना चाहता हूँ लास्ट में उन पर, बड़े भाई साहब कविंदर गुप्ता जी को, वो भल्ला साहब के बेटे के साथ कोई कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, और कविंदर गुप्ता जी काम करने वाले काम करो, और बच्चों के साथ लड़ाइयाँ लेते हो, अब बच्चों के साथ लड़ोगे, वो 18 साल का बच्चा, उसको बोलते हैं औकात में रहो, माँ बाप ने तुम्हें, ये इनके बयान है, एक्स डिप्टी सीएम छोटे छोटे 18 साल के बच्चों के साथ लड़ रहा है, ये है हमारा एक्स डिप्टी सीएम, अब हम यही बताना चाहते थे, वो एक्सपोज हो चुके हैं, कविंदर गुप्ता जी माफ़ी मांग लीजिए, इसी में आपको बलाई है, नहीं माफ़ी मांगोगे तो कोई बात नहीं, हम तो तैयार हैं, हम आज भी कह रहे हैं, और मैं कभी भी अपनी जुबान से टस से मस नहीं होता, माफी मांगनी पड़ेगी, मांगनी पड़ेगी, मेरे यही बयान रहेंगे। हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी।